फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे। और ये इस साल की मेरी पहली वीडियो है, तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर मास्क जो मैं रिसेंटली काफी ज्यादा यूज कर रही हूँ बिकॉज ऑफ विंटर सीजन। जैसे कि विंटर सीजन चल रहा है तो सर्दियों में बाल ना काफी ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, डैमेज होने लगते हैं, और जैसे कि ठंडे पानी से भी हम सिर नहीं धो सकते हैं, गर्म पानी से बाल धोने की वजह से बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं और बेजान से हो जाते हैं, चमक भी बिल्कुल चली जाती है और बहुत प्रॉब्लम होती है। और ठंडे पानी में अगर इस टाइम सिर धोया जाए तो हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। सो उसके लिए एक हेयर मास्क मैं जो खुद यूज करती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज की वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। उससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपको इजीली मिलती रहें। और शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो विंटर में बालों के ड्राई होने का सबसे पहला रीजन होता है कि मॉइस्चराइज नहीं हो पाते हैं बाल, जो मतलब उनको मतलब ऑयल चाहिए होता है, वो ड्राई विंटर की वजह से वो ड्राइनेस आ जाती है हेयर में, वो ऑयलिंग नहीं हो पाती। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल या फिर आपके पास कोई भी हेयर ऑयल जो भी आप यूज करते हैं, सरसों का तेल काफी ज्यादा हार्ड होता है, मतलब काफी ज्यादा उसमें थिकनेस होती है, जो कि आपके बाल ज्यादा ही डैमेज है, ज्यादा ड्राई है, तो उसके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहता है और ये बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। अदरवाइज नहीं है आपके पास तो मैंने यूज किया है घर का, ये सरसों का तेल है वो यूज किया है, मस्टर्ड ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल भी बेस्ट रहेगा। तो उसको थोड़ा सा गुनगुना करना है आपको, उसके बाद आपको इसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल मिलाना है। एलोवेरा जेल इसलिए ताकि जो आपके बालों की शाइनिंग और जो ड्राइनेस हो जाती है ना, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो उसको बहुत अच्छी तरीके से मतलब आपके बालों को मॉइस्चराइज करने में आपकी हेल्प करता है, पैम्पर करता है, आपके जो स्कल्प होते हैं इनको पैम्पर करता है। तो इसके लिए इसको गर्म करके इसमें आपको एलोवेरा जेल ऐड करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देना है उसके बाद। और फिर उसके बाद आप चाहे तो नाइट में भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप 1 या 2 घंटे पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आधा घंटा पहले भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एज पर योर टाइम। तो फिर आपको इसको स्कल्प से यहाँ से इस तरीके से एंड तक लगाना है। सकते हैं मिनिमम आधा घंटा तो आप रखिए, फुल नाइट रखते हैं तो और भी ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आपको नॉर्मल गुनगुना जो पानी होता है ना, मतलब गर्म पानी गुनगुना जो होता है, उससे आपको हेयर वॉश कर लेने हैं। तो आपको जो ड्राइनेस होती है और दो मुंगे बाल और मतलब चमक चली जाती है, जैसे कि गर्म पानी से बाल धोने से सबसे बड़ा जो होता है ना, ये एक तो ड्राई हो जाते हैं और बालों की जो शाइनिंग होती है वो चली जाती है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा रफ हो जाते हैं, डैंड्रफ हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरे बालों में बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं है, बिकॉज मैं यही हेयर मास्क यूज़ करती हूँ और हेयर वॉश करने से पहले 1 घंटे या 2 घंटे पहले लगा लेती हूँ। मैं रात भर नहीं लगाती हूँ बिकॉज मेरे ऑलरेडी इतने थिक हेयर हैं, तो इस वजह से आप चाहें तो रात भर भी, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप रात भर लगा सकते हैं, और इससे आपके जो हेयर हैं वो टूटेंगे भी नहीं, आपकी जो ड्राइनेस है वो भी सॉल्व हो जाएगी, ड्राइनेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और जो जैसे कि आपके बालों की शाइनिंग खत्म हो जाती है गुनगुन गर्म पानी से बाल धोने से, तो वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो वीकली आप 1 टाइम यूज़ कर सकते हैं, या फिर जब भी आपको लगे कि आपके बाल ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं या फिर शाइनिंग जा रही है तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, मैंने खुद ट्राई किया है और खुद ट्राई करती रहती हूँ विंटर में स्पेशली, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है, आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो इसी वीडियो के तो आई होप आपको ये वाली रेमेडीज 100% हेल्प करेगी। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे न्यू रेमेडीज के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।